Hey there, this is Pranshu Verma and let's get started our next lecture on system of particle and rotational motion. Okay, और हम पिछले lectures में काफ़ी कुछ moment of inertia में आगे बढ़ चुके हैं. आज हमें theory ख़त्म कर देनी moment of inertia की बहुत दिनों में. चलिए start करें कहानी. start कहानी कहाँ से करें. ओके सर, एक काम करो, आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरी पढ़ो. ओके, जो आपकी मर्जी भाई. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, मेरे को मैसेज आया अभी, ऐसा करें. नहीं, वो ध्यान से सुनो. पहली बात, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आसान है पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ज़्यादा. ऑलवेज रिमेंबर दिस कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम इज मोर, थोड़ा सा मतलब साइकोलॉजिकल है, गेम है. आसान तो दोनों है, साइकोलॉजी का गेम है यहाँ पे दोनों जगह, कि कौन टिपिकल है कौन है. आसान दोनों ही, यदि एक बार समझ में आ जाए तो बच्चों का खेल, बच्चों का. अबे रुको, मैं गेट बंद कर दूँ. क्यों करा पता नहीं, कोई यार सब्जी वाला है चिल्ला रहा है, पूरी आवाज आ रही है, पता नहीं वीडियो में भी आ गई होगी. ठीक है, स्टार्ट करें. चलिए, ओके, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. देखो सबसे पहली बात तो की फैक्टर इसका क्या है, इसका की फैक्टर बोल दो या इसका ड्रॉबैक बोल दो. इट ओनली एप्लीकेबल फॉर 2D ऑब्जेक्ट. 2D बोलो या 1D, 1D और 2D ऑब्जेक्ट. पॉपकॉर्न वाला है भाई, बाहर पॉपकॉर्न बेच रहा है. ठीक, ओके. सो मतलब ये बोल रहा है ये कि 1D और 2D पे ही लगेगा, 3D पे नहीं लगेगा. नॉट फॉर 3D, सॉलिड्स के लिए नहीं है. प्लेट हो या डंडी हो, मतलब हमने अभी तक कितनी 2D ऑब्जेक्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाली. एक तो रॉड का निकाला था, एक रिंग का निकाला था और एक डिस्क का निकाला था. इन तीनों पर एप्लीकेबल है. एक प्लेट का भी निकाला था, एक प्लेट का भी निकाला था. तो इन तीनों चारों पे एप्लीकेबल है, इनके अलावा और किसी पे एप्लीकेबल नहीं है ये थ्योरी. ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या. यदि कोई बॉडी ऐसे है, हमें इनको प्रूफ नहीं करना है. पहली बात, लेट मी टेल यू वन थिंग कि वी डोंट नीड टू प्रूव दिस थ्योरम्स. दिस आर प्रूव्ड थ्योरम फॉर अस. अपने को सिलेबस में इनका डेरिवेशन नहीं सॉल्व करना है. ओके, अपने को इनका एप्लीकेशन करना है. एप्लीकेशन, ओके. सो नाउ देयर वर 3 एक्सेस. दिस इज वाई एक्सेस, दिस इज एक्स एक्सेस एंड दिस इज जेड एक्सेस. ओके, वाई एक्स एंड जेड. मैं बोल रहा हूँ कि दिस बॉडी इज इन एक्स वाई प्लेन. वो मेरी बॉडी, ये देखो, ये एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है और ये से बाहर आ रहा है जेड प्लेन. ऐसे मार्कर की डायरेक्शन, ऐसे. दिस इज जेड प्लेन, ये एक्स है, ये वाई है. मेरी बॉडी ऐसे रखी. ओके, ये रखी गई, ये वाई प्लेन, ये एक्स प्लेन, ये जेड प्लेन. ओके, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम कि भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड वाई एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड जेड एक्सिस. कितना सिंपल है, सिंपल नहीं लगा गया? अरे यार ध्यान से देखो, अब देखो थ्योरी देखो, इसके थ्योरम का स्टेटमेंट देख लो. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या पता आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको इससे पता चल जाए क्या बोलना चाह रहा हूं मैं. ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन बॉडी, ऑफ अ प्लेन बॉडी is around an perpendicular axis to its plane is equal to the sum to the sum of
द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड अदर टू परपेंडिकुलर एक्सेसेस परपेंडिकुलर एक्सेसेस इन द प्लेन ऑफ द बॉडी। ध्यान से सुन लो, ये मतलब ये थ्योरम ऐसा नहीं है कि आई जेड ही होगा हमेशा, आई एक्स भी हो सकता है, आई वाई भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी, इस पे डिपेंड करेगा। देखो ऐसे ऐसे रख दिया मैंने, तो वाई ऐसे हो गया, एक्स ऐसे हो गया, जेड ऐसे हो गया, वाई एक्स जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। राइट नाउ विच इज विच विच एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ द प्लेन और ऑब्जेक्ट, दिस वाई एक्सिस। सो एट दैट इंस्टेंट, इस स्टेट में एक्स वाई विल कम इक्वल टू एक्स एक्स, सॉरी आई वाई कम्स इक्वल टू आई एक्स प्लस आई जेड। ओके ओके क्लियर है। ओके नाउ टेल मी, द बॉडी इज लुकिंग लाइक दिस, विच एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी, आई एक्स। सो राइट नाउ आई एक्स विल कम इक्वल टू आई वाई प्लस आई जेड, आई वाई प्लस आई जेड। ओके मतलब जो अदर टू ऑब्जेक्ट होने चाहिए दे शुड बी इन द प्लेन ऑफ द बॉडी। ओके और दे शुड बी इन द इन दैट प्लेन इन विच द बॉडी इज प्लेस्ड। ओके और द थर्ड वन जिसका एडिशन होना, जिसका वैल्यू निकालना है, वो शुड बी प्लेन टू द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी। ओके परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दैट वाई इट इज ओनली एप्लीकेबल ऑन 2D ऑब्जेक्ट। 3D पे नहीं लगते क्योंकि 3D में प्लेन नहीं होता, सरफेस होती है, प्लेन नहीं होता। क्लियर है, आसान था। ओके अब देखो इसका एप्लीकेशन यहीं खत्म करते हैं, हटाओ। ओके चलिए देखो, आपको मैंने बोला था ये रिंग है ना, दिस वॉज द रिंग। अपन लोगों ने एक कौन से एक्सिस के अराउंड निकाला था इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्स एक्सिस के नहीं, वाई एक्सिस के नहीं, जेड एक्सिस के। हाँ याद करो, डेरिवेशन पे जाओ, जो आपने नोट्स बना लिए होंगे आई थिंक, तो उसमें जाओगे यदि तो आपको दिखेगा वहाँ पे, ठीक है, नहीं तो वीडियो देख लो पीछे वाली, उसमें दिखेगा कि जो मैंने रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था वो उसके परपेंडिकुलर एक्सिस था, ऐसे जा रहा था उसमें, है ना, उस रिंग से परपेंडिकुलर था कि नहीं था। ओके सो हमने आई जेड के अराउंड निकाला था और आई जेड कितना आया था, एम आर स्क्वायर, कितना आया था, एम आर स्क्वायर। ओके तो अब हमारे पास आई एक्स और आई वाई निकालने का टारगेट है, ऑब्वियसली बात है। देखो सॉरी, आई एक्स हो या आई वाई हो, दोनों में सेम रेडियस सेम हिसाब से घूमने वाली है चीज। ओके नहीं मेरे पास आज सिक्का नहीं है, नोट है सिक्का नहीं है। ओके देखो रिंग भी नहीं है मेरी, ओके मेरे पास एक एक्सटेंशन पड़ा है यहाँ पे, अब गोल भी है वो, ओके टूटा फूटा है उसको, हाँ इसको मैंने ही तोड़ा था अभी कुछ दिन पहले, चल नहीं रहा था ठीक। देखो ध्यान से क्या हो रहा है, हमने इस एक्सिस के अराउंड, ये जो है एक्सिस, ऐसा एक्सिस होगा इसके अराउंड, ये कैसे रोटेट करेगा ऐसे, है ना, ऐसे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था। अब हमें कैसे निकालना है, पहले तो आई वाई के अराउंड, आई वाई ऐसे हैं, वाई एक्सिस ऐसे, ऐसे ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई के अराउंड ऐसे घूमेगा, और आई एक्स कैसे, ऐसे इसके अराउंड ऐसे रोटेट करेगा। क्या दोनों में सेम रेडियस से घूम रहा है वो, देख पा रहे होंगे, ऐसे भी और ऐसे भी, एक एक इसी में बस अलग से घूमता है ना, इसी में अलग से घूमता है। ओके इज इट क्लियर टू यू, डिस्क का भी सेम यही कॉन्सेप्ट होगा, डिस्क का भी कॉन्सेप्ट यही सेम होगा। इसका मतलब आई एक्स और आई वाई दोनों सेम होने वाले हैं, दोनों सेम होने वाले हैं। यूज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ओह सॉरी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, वहाँ पे मुझे साफ दिख रहा है कि आई जेड किसके इक्वल होगा, आई एक्स प्लस आई एक्स के, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, या टू आई एक्स के, आई जेड, आई जेड की वैल्यू तो मैं निकाल चुका हूँ, एम आर स्क्वायर निकल गई, आई एक्स आई वाई दोनों की वैल्यू
एम आर स्क्वायर बाई टू, इसलिए मैंने बोला था कि इनकी वैल्यू नहीं निकालेंगे, अदर टू एक्सेसेस पे हम नहीं निकालने वाले वैल्यू। कितना आसान था? आसान था कि नहीं था? एक्स और वाई एक्सेस के अराउंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग विल बी एम आर स्क्वायर बाई टू, एम आर स्क्वायर बाई टू। क्लियर है? हटाओ, डिस्क का देखोगे, डिस्क का देखोगे सर, क्या देखना है, एक फोर और आ जाएगा। हाँ, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे एम आर स्क्वायर बाई टू था डिस्क के लिए। अब ये डिस्क, यही डिस्क बन गई, घूमना तो ऐसे ही है ना। आई एक्स और आई वाई यहाँ पे भी सेम होंगे, एम आर स्क्वायर बाई टू इक्वल टू टू आई एक्स, या आई एक्स या आई वाई दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम आर स्क्वायर बाई फोर। क्लियर टू यू? क्लियर टू यू? आसान था, इसलिए हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ ली थी। ओके, क्लियर है? बहुत बढ़िया, चले हटा दें, हटा दें। चलो ऐसे ही हमने प्लेट उसका करा था, क्या बोले उसको, रॉड का करा था, तो रॉड पे भी आप ऐसे ही अप्लाई कर सकते हो। ओके, और ऐसे ही आप किस पे अप्लाई कर सकते हो, प्लेट पे अप्लाई कर सकते हो, सेम एज इट इज़। ओके, मैं ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ, मैं क्वेश्चंस में करा दूँगा आपको लास्ट में जाके, आज के लेक्चर में, कल के लेक्चर में, कल तो रोलिंग करेंगे हम, रोलिंग। हाँ जी, रोलिंग एक अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इस चैप्टर पे 12 लेक्चर बन चुके हैं, 13वां ये है, 14वां कल हो जाएगा मेरे ख्याल से, 15-16 लेक्चर बन जाएंगे इसी चैप्टर पे, बहुत लंबा चैप्टर, मैं पहले ही बोला था आप लोगों को। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट विद पैरेलल एक्सिस थ्योरम। एक्सिस थ्योरम, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, यदि ये नहीं समझ पाए कि मैं जो कह रहा हूँ वो नहीं समझ पाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, वो प्रॉब्लम आ जाएगा क्योंकि इसका जो स्टेटमेंट है वो बहुत घुमावदार है, यदि आपको इंग्लिश नहीं आती है तो यू कॉन्ट अंडरस्टैंड दैट थिंग। ओके, और यदि इंग्लिश बहुत पिजाज बादशाह हो, बादशाह हो इंग्लिश के, आप ना तो स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हो और शेक्सपियर्स के भी जो लिटरेचर है उसको पढ़ के समझ लेते हो क्या बोल रहा है वो। ओके, नाम में क्या रखा है, ओके, व्हाट इज़ इन द नेम। तो यदि आप ये कर लेते हो तो आसान रहेगा आपके लिए। ओके, ध्यान से समझो क्या कह रहा है। कोई बॉडी है, अब वो बॉडी कैसी भी हो, 3D हो, 2D हो, 1D हो, इसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, इसको मतलब नहीं है कि ब्लैक लेव और वाइट हो, है ना, इसको मतलब नहीं है। ओके, ये क्या कहती है कि भैया किसी भी एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, ओके, किसी भी एक्सिस के, एट अराउंड एनी एक्सिस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैंने पपीता बना दिया ना, दिस शेप इज जस्ट लाइक अ पपाया, है ना। हाँ, कभी बचपन में तो बना नहीं मेरे से पपाया, आज बन गया ऐसे ही। मैं बहुत बहुत ही ज़्यादा गंदा हूँ। ओके, इट्स इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट्स इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड एन पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। ओके, इट्स सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड एन पैरेलल एक्सिस पासिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास प्लस एंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल एक्सिस। कुछ समझ में आया नहीं? देखो मैंने क्या बोला है, ये मैं जो बोला है वो लिखाऊंगा अभी मैं। उसने बोला है इस थ्योरम ने कि भैया I इक्वल टू होता है ICM प्लस MR स्क्वायर। एम इज द मास ऑफ दिस बॉडी, दिस इज ICM, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस। एक कोई भी पैरेलल एक्सिस है, कोई भी परपेंडिकुलर एक्सिस है जिसके अराउंड आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है किसी भी बॉडी का। ओके, तो उसके पैरेलल एक सेंटर ऑफ मास से जाने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सिस ड्रॉ करो। ओके, कहाँ से आपको इस एक्सिस के अराउंड आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बॉडी का कि कैसे घूमेगा क्या होगा,
तो यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग कि इसके पैरल सेंटर ऑफ मास से जाने वाला एक एक्सिस ड्रॉ करो, ओके, उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, ओके, प्लस करो मास इंटू आर स्क्वायर। इट इज मच मच इजियर देन पैरल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। मुझे इसको अप्लाई करना और भी ज़्यादा सिंपल लगता है परपेंडिकुलर से भी ज़्यादा, लेकिन बच्चे लोग का एक्सपीरियंस है कि सर ये टिपिकल है, वो आसान है, तो कुछ भी कर लो आप। ओके, क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? अब इसको मुझे इंग्लिश में बनाना है बस, और कुछ नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड एनी एक्सेस ऑफ अ बॉडी, ऑफ अ बॉडी, बॉडी है यहाँ पे 2D हो 3D हो इससे कोई मतलब नहीं है, इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड अ पैरल एक्सिस पासेस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, या आप बोलो कि पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, ओके, एंड द मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल एक्सिस। यही है बस, यही है। सर ये बात कैसी थी? ठीक है, मैं एक सांस में लिख दिया पूरा स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट है, इसको याद करना होगा। जैसे ही परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का था स्टेटमेंट, वैसा ही स्टेटमेंट पैरेलल एक्सिस थ्योरम का है, और उसको भी वैसे ही लिखना है, वैसे ही याद करना है, इसको भी वैसे ही लिखना है, ऐसे ही याद करना है। आपके वर्ड्स आगे पीछे हो सकते हैं, आपके इंग्लिश के वर्ड्स में कुछ और क्वालिटी हो सकती है, आप इससे भी अच्छे अच्छे वर्ड यदि आपको आते हो तो यू कैन यूज़ देम, बट मीनिंग यही रहना चाहिए, मीनिंग शुडंट चेंज। ओके, मीनिंग को भैया चेंज नहीं कर सकते आप, कहने का मतलब यही है। ओके, क्लियर है? क्लियर है? आसान था? एप्लीकेशन देखें इसका, देखो एप्लीकेशन। आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अंत है, अंत, तेरा अंत समय आ गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हमारे प्रांशु सर फॉर्म में आ चुके हैं। सिलेंडर का देखो, सिलेंडर का, ठीक, सिलेंडर का रेडियस था आर, मास था एम, ओके, आपको निकालना है अराउंड दिस एक्सिस पासिस थ्रू द सरफेस ऑफ द सिलेंडर, ओके। ऐसा हमने तो अभी तक तो बीच वाले से निकाला था, ये यहाँ पे बिल्कुल पास में यहाँ पे चिपका हुआ है, और इसके अराउंड घुमाना है टू, ऐसे ऐसे नहीं घूमेगा एक्चुअली, ऐसे घूमेगा, ओके, यहाँ पे मतलब ये फिक्स नहीं हो सकता, इसके अराउंड घुमाना है इसको, ओके, ऐसे ऐसे घुमाना। ओके, हाँ जी, तो बताओ कैसे होगा भाई? ये इसके सेंटर से मैं जा रहा है, सेंटर ऑफ मास से, तो इसके अराउंड एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका, ओके, ICM, इसके अराउंड क्या होगा? ICM प्लस इसका मास और बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर। ये कितना था ICM? ये हॉलो सिलेंडर है, हॉलो, ओके, हॉलो है तो क्या होगा? MR² प्लस MR² टू MR², ओके, क्लियर है? आसान हुआ? और यदि ये सॉलिड है, ये होलो के लिए, सॉलिड के लिए वो क्या हुआ? उसका MR² / 2, और ये तो MR² रहेगा, 3 MR² / 2। क्लियर है? क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दो समझ में आना चाहिए, समझ में नहीं आया तो दिक्कत होगी। अच्छा, कई बच्चे बोल रहे होंगे सर इन एक्सेस के अराउंड क्यों नहीं है,
तो उतना ज़्यादा डीप में नहीं है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको मैं एक चीज़ समझा दूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना ज़्यादा डीप में नहीं है, बीटेक में जाके सीखोगे या बीएससी में जाके सीखोगे उतना डीप में। ओके चलिए, स्फीयर का देखोगे, स्फीयर का अराउंड एनी एक्सिस, ओके ये हॉलो स्फीयर है। ओके इसके एक एक्सिस है जो सरफेस से जा रहा है, उसके अराउंड बताओ कितना होगा। भैया इसका आईसीएम प्लस इसका मास आर स्क्वायर, ये होगा आई, है ना। अभी इसका आईसीएम याद करो, हॉलो है तो कितना होगा, 2mr² / 3mr², एलसीएम लो, तीन नीचे आ जाएगा, तीन इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 × 5mr² 5mr² फॉर हॉलो स्फीयर। और यदि सॉलिड स्फीयर की बात करूँ तो कितना होगा, 2/5mr², है ना, और mr² 7mr² / 5। क्लियर है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। बस ऐसे ही होना है, इसीलिए तो मैंने डेरिवेशन पहले सॉल्व कराते थे आप लोगों को, ताकि आपको एक भी पॉइंट ऐसा ना लगे जो टिपिकल हो बाद में। यदि आपको डेरिवेशन समझ में आ गई तो कसम से बोल रहा हूँ, उठा के बैठ जाओ एनसीईआरटी की बुक, क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दो। एक क्वेश्चन में फंसोगे नहीं, यदि डेरिवेशन आ चुके हैं तो एक क्वेश्चन में नहीं फंसोगे। मेंस के उठा लो यार, मेंस के उठा लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, हालांकि मेंस में फंस जाओगे क्योंकि वहाँ पे आपको फंक्शन बनाने पड़ सकते हैं कई क्वेश्चनों में। चलिए इनको ख़त्म करें, हटा दें इनको। मैंने सेंटर ऑफ मास को ज़्यादा लंबा खींच दिया था, है ना, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उतना ही लंबा टॉपिक है, ये भी लंबा खींचा है, तीन लेक्चर इस पर भी हो गया खिंचतान के, ड्रॉइंग पे भी कम से कम दो लेक्चर तो जाएगा मेरे ख्याल से, या एक ही ख़त्म करने की कोशिश करूँगा मैं। ओके चलिए डायनेमिक्स सीख लें आज, इसकी सेंटर ऑफ मास, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डायनेमिक्स, व्हाट इज डायनेमिक्स, डायनेमिक्स का मतलब होता है कॉज का जानना, कॉज का जानना, कॉज का मतलब एनर्जी की बात करना। ओके कोई भी चीज़, कोई भी चीज़ मोशन कर रही है तो ड्यू टू द चेंज ऑफ एनर्जी कर रही है। ओके सब चीज़ एनर्जी की वजह से होती है, तो बस एनर्जी पे फोकस करो, एनर्जी की बात करते हैं। ओके कई सारे फॉर्मूले आज ड्राइव करेंगे। चलिए सबसे पहली बात तो याद है आपको टाउ की वैल्यू क्या थी, I into alpha। अच्छा याद करो, वर्क एनर्जी थ्योरम से हमारा जो वर्क डन आया था वो माइनस डेल्टा यू के इक्वल आया था, डेल्टा यू के इक्वल। ओके चलो इस बार माइनस को हटाओ, डेल्टा यू की वैल्यू फाइंड करो, माइनस को हटाओ डेल्टा यू की वैल्यू फाइंड करो। सर कैसे फाइंड कर ले, ओए भाई वर्क डन लो, F into S into cos theta। सर यहाँ पे तो फोर्स ही नहीं है, यहाँ पे तो टॉर्क है, यहाँ कौन है, टॉर्क है, तो क्या यहाँ पे जो चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला होगा वो टॉर्क इंटू थीटा, ये होगा क्या, कॉस थीटा के टर्म को मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि उसकी वैल्यू वन ही आने वाली है, हमेशा हमेशा वन आएगी। ओके ओके सो आपका जो चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला होगा वो यहाँ पे कितना होगा, टाओ इंटू थीटा। याद रखोगे आप लोग, याद रखोगे या भूल जाओगे, देखो एक चीज़ दिमाग में डाल लो, एक चीज़ दिमाग में डाल लो, फोर्स की जगह टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ओके एफ की जगह टाओ, एस की जगह थीटा। ओके जस्ट यूज दिस थिंग एंड यू लुक एट द वैल्यू ऑफ थिंग। ओके ओके अच्छा जरा मैं यहाँ पे एक चीज़ सही कर लूँ, डेल थीटा यूज़ कर लो क्योंकि आई एम यूजिंग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके क्लियर है, ओके चलिए यदि मैं यहाँ पे इसको डी वी कहूँ, डी यू कहूँ, डिफरेंशियल फॉर्म में कहूँ, तो अब तो आपको आदत हो जानी चाहिए, टाओ इंटू डी थीटा, टाओ इंटू डी थीटा। ओके यदि मैं इस इक्वेशन को टाइम से डिवाइड करता हूँ, व्हाट इज दिस, चेंज इन एनर्जी दैट इज वर्क, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम क्या होते हैं मेरे ख्याल से, पार,
पार होती है पार। और ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। नाउ यू कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, आई अल्फा इंटू ओमेगा। ओके, कटेगा तो कुछ नहीं, बस यही है। कटेगा कुछ नहीं, आप कटेगा आई इंटू अल्फा इंटू ओमेगा। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके, चलिए आगे की बात कर ले, आगे की बात करते हैं। अच्छा एक काम बताओ, एंगुलर मोमेंटम क्या था आर क्रॉस पी? आर एम वी ये था, आर एम वी यही तो था। ओके, मार्कर की बत्ती खत्म। आर एम वी रेडियस, मास एंड वेलोसिटी। एक काम करो, आर की मल्टीप्लाई आर की डिवीजन, क्या हो गया एम आर स्क्वायर वी बाई आर, एम आर स्क्वायर वी बाई आर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही? चलिए, प्रॉब्लम तो है सबके साथ। दिस इज द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज दिस वी बाई आर? दिस इज आई थिंक सो ओमेगा। यही होगा, क्लियर है? क्लियर है? यहां से आप एक बार बोल सकते हो आई ओमेगा की जगह क्या रख सकते हो, एल, एल इंटू अल्फा। ओके, क्लियर है या नहीं है? नहीं है क्या? है, बहुत बढ़िया। अच्छा चलो जरा बताओ, अभी यहां से देखो, ये सब डायनेमिक्स चल रहा है, यही कॉज है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, यही कॉज है। कॉज कौन है? एनर्जी, एनर्जी निकाल ली, पावर निकाल ली हमने, इस पावर की वजह से रोटेशनल मोशन आया। ओके, अब उसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम आया, एंगुलर मोमेंटम कितना आगे हुई, पावर कितना होता है एंगुलर मोमेंटम इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। इन फॉर्मुलों को याद कर लो, डायरेक्ट लग जाएंगे, नहीं तो याद करते रहोगे फिर। ओके, और क्या कर सकते हैं इसमें, जरा एक चीज़ और लाओ, आप याद करो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ऐसे ही सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन भी होना चाहिए, डीपी डीएल बाई डी टी, डीएल बाई डी टी। हाँ या ना, जल्दी बोल, डीएल बाई डी टी होना चाहिए। ये रहा एल, डिफरेंशिएट करो उसको, एल इक्वल टू है आई ओमेगा, डी एल बाई डी टी। आई तो कांस्टेंट है, कौन डिफरेंशिएट होगा, आई डी ओमेगा बाई डी टी। डी ओमेगा बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन एंड दिस इज आई अल्फा, दिस इज टाउ, दिस इज टाउ। समझ में आ गया क्या? यही है पूरी डायनेमिक्स, फुल डायनेमिक्स इज इन फ्रंट ऑफ यू, पूरी की पूरी डायनेमिक्स आपके सामने है। अभी एक चीज और रह रही है, हाँ रह रही है एक चीज, हो गया, हो गया, हटाओ, इधर से हटाऊंगा मैं, क्यों, हमने पोटेंशियल एनर्जी तो निकाल ली, डी यू दैट कम्स इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। ओके, कितनी आई वो, ओह सॉरी, टाउ इंटू थीटा, टाउ इंटू डी थीटा। ओके, क्लियर? लेकिन हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात नहीं की, कितनी आई थी वो हमारी, याद करो, डू यू रिमेंबर कितनी आई थी काइनेटिक एनर्जी को? तो निकाला था यार, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओके, कितने दिन हो गए नाई के पास भी नहीं जा पा रहा, इतना बिजी चल रहा हूँ मैं सर, इतना बिजी कैसे हुआ आप? ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे आई इंटू ओमेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई इंटू ओमेगा, द एल, एल इंटू ओमेगा। ओके,
इज इट क्लियर टू यू? आसान था? ओके अच्छा एक चीज और, पावर एक और चीज भी होती है भैया, जैसे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी तो है, दोनों सेम चीज तो ही है ना? पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ तो आया, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ तो क्या आएगा पावर? देखो करो चेंज उसमें ऊपर वाले में करना, करो। हाँ, 1/2 आई कांस्टेंट डिफरेंशिएशन किसका होगा? ओमेगा स्क्वायर का। ओमेगा स्क्वायर पता नहीं मुझे, आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, लेकिन कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन? देखो 2 को नीचे उतारो यहाँ पे, ओके, ओमेगा को बाहर रख दो और ऐसे लिख दो। दिस इज द वे हाउ डू यू यूज पावर डिफरेंशिएशन। ओके, किसी भी अननोन का डिफरेंशिएशन करना होता है हमको, जैसे एक्स की पावर एन है और उसका डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू टी। ओके, तो व्हाट गोइंग टू डू, मैं एन को नीचे उतारूंगा, एक पावर कम करूंगा और फिर dx बाई dt लिखूंगा। दिस इज द फॉर्मूला हाउ डू वी यू, यदि रेस्पेक्ट में अलग अननोन है, यहाँ पे अलग अननोन है, सेम अननोन होता तो यहाँ पे काम खत्म था, सेम अननोन होता तो यहाँ पे काम खत्म था, और अलग अलग अननोन है तो एक चीज और रह जाएगी। ओके, नाउ लुक एट हियर, I/2, 2 से 2 कट गया, I × α। ओके, एंड व्हाट इज दिस? क्या सेम आई है पावर? व्हाट दिस थिंग रिप्रेजेंट, बोथ फॉर्मूलाज आर सेम, व्हाट दिस थिंग्स रिप्रेजेंट, दिस थिंग इज रिप्रेजेंट दैट कि डेल के डी के बाई डी टी इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी। भाई हमने ये कैसे निकाला पावर? पावर का मतलब इस फॉर्मूले से, तो इसकी वैल्यू सेम है ना दोनों की, और इनको हटा दूं तो मैं कह सकता हूं कि डी के इज इक्वल टू डी यू। वो बात अलग है, यहाँ पे निगेटिव साइन आएगा, लेकिन अपने को उसको अभी साइड बाई लेके चल रहे हैं। ओके, ये क्या है? द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन, एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन। यदि आप निगेटिव साइन वहाँ पे जो मैंने छोड़ा था उसको ले लोगे कंसिड्रेशन में, तो आप यहाँ पे पाओगे कि एनर्जी कंजर्वेशन एप्लीकेबल है यहाँ पे भी। होना चाहिए था क्या? होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था, एनर्जी कंजर्वेशन आना चाहिए था। आपके पूरे सिलेबस में एनर्जी कंजर्वेशन एक जगह एप्लीकेबल नहीं होगा, एक जगह नहीं होगा जहाँ पे हम पढ़ेंगे वेव्स, वेव्स। ओके, नहीं तो जहाँ पे भी हम एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेंगे वहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन आएगा। ओके, जरूर आएगा, बस एक जगह नहीं होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जहाँ पे मैंने आपको बता दिया वहाँ पे क्या आएगा, वेव में। क्या में आएगा? वेव में। आप लोग अभी कई सारी चीज़ें पढ़ने वाले हो आगे, स्ट्रिंग्स वगैरह पढ़ोगे, स्ट्रिंग्स में वेव पढ़ोगे, तो आप बाद में देखोगे उस चीज़ को। SHM के बाद चैप्टर नेक्स्ट होगा वेव, लास्ट चैप्टर होगा 11th क्लास का। तो ये थी डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। ओके, डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन, पूरी डायनेमिक्स मैंने आपको समझा दी, एक एक फॉर्मूला समझा दिया है। ओके, कैसे कैसे आया है। ओके, तो कल को पढ़ेंगे रोलिंग और उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे इस चैप्टर के, ठीक है? आप लोग तैयारी करो न्यूमेरिकल्स की, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करना है। थैंक यू एवरीवन।